राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारी चल रही है बरसाना की ब्रज यात्रा, और इसी यात्रा के दौरान हम एक ऐसे मंदिर पर आ चुके हैं जो बरसाना से पड़ता है लगभग 2.5 किलोमीटर पहले, और इस मंदिर का नाम है ठाकुर राधा वल्लभ मंदिर। और इस मंदिर का जो मेरे को स्ट्रक्चर है, जो इसका एक तरीके से क्या कहूँ मैं, आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही पुराना और बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। इस मंदिर को ठाकुर राधा गोविंद जी का मंदिर भी कहा जाता है, और ये आपका प्रेम सरोवर के बिल्कुल पास पड़ता है। अब मैं आपको मंदिर का जो इसका जो मेरे को इसका आर्किटेक्चर सुंदर लगता है, मैं उसको इसके दर्शन कराऊंगा आपको। मेन मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जिन लोगों को पुरानी बिल्डिंग और पुराने आर्किटेक्चर में दिलचस्पी है ना, उन लोगों को ज़रूर ये जगह बुलाएगी। तो आप देखें, ये इसका भव्य गेट बना हुआ है बिल्कुल सामने, और ये इसका नाम है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट लें और फिर पढ़ते रहें। और इसके नक्काशी देख सकते हो, और अब ये पुराने स्टाइल का ये बालकनी कह सकते हो इसको, कितनी सुंदर चीज़ बना रखी है पहले के टाइम की। इधर भी देखें आप, और इसका विशाल दरवाजे, और ये बैठने के लिए स्थान, ये दरवाज़ा देखें आप, बहुत बड़ा दरवाज़ा है। राधा रानी के मंदिर में जो महल में दरवाज़ा है उससे भी काफ़ी बड़ा है, और बहुत ही सुंदर ये स्थान है। और सामने गौशाला भी है, और इस तरीके का कुछ इसका पुराना स्ट्रक्चर है, इसके आप दर्शन करें। और ये ऊपर वाली बिल्डिंग देखें आप, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी पुरानी बिल्डिंग रही होगी। और इसके पुराने पुराने दरवाजे, पुराने तरीके के जो जंगले होते थे वो, और इसमें एक गौशाला भी है बिल्कुल सामने की तरफ। और इससे जो आगे जगह पड़ती है वो इससे भी पुराना स्ट्रक्चर है, और ये इसकी गौशाला है। और राधा गोविंद चंद्र देव जी महाराज ने सहयोग किया है इसको बनवाने में, और ये मेरे ख्याल से गौ माता के लिए ये जगह है। अब चलते हैं आगे। जो मेरे को मेन, अब देखो ये बिल्डिंग देख लो आप, ये लगभग 150 साल पुरानी होगी। इसका जो डिज़ाइन है ये भी कखैया ईंटों से बनी है, और मेन ये वाली जो बिल्डिंग है ना, और ये तो बिल्कुल पत्थर से ही बना रखी है, ये तो और भी पुरानी होगी। ये चीज़ें मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। और ये यहाँ के पुराने पुराने पेड़, और इस जगह पर ज़्यादा कोई आता नहीं है वैसे, बिल्कुल खाली पड़ी रहती है, मंदिर में भी कोई नहीं है। और ये इसकी पुरानी कमरा, पुराने टाइप की कुर्सी और मेज, तख्त पड़े हुए हैं, कुछ अलमारी हैं पुराने टाइप की, उसके पीछे एक केले का बाग भी है शायद, हाँ काफ़ी केले के पेड़ हैं। और ये पुराने टाइप की कुर्सी रखी हुई है, और ये पुराने टाइप की मेज, और दरवाज़ा जैसा हमारी हवेली में उस तरीके की कुछ, ये डोरबेल, और ये यहाँ का कॉरिडोर, ये बाद में इसकी मरम्मत कराने के बाद ये लगवाया है। और इनके दरवाजे भी काफ़ी पुराने हैं, और दीवारें देखिए आप कितनी मोटी मोटी हैं उस समय से। अब इससे बाहर निकल कर मैं, बाहर से कैसा लगता है, पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ जो पत्थर से बनाई जाती थी, कोई रेलिंग कोई किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं होता था। ये थोड़ी कम पुरानी बिल्डिंग है, पर पुरानी ये भी काफ़ी है, और ये काफ़ी पुरानी है इसके और वो साथ वाली बिल्डिंग। और ये इसका बैक साइड एरिया है, और वहाँ पर हमारे मोरजी भी बैठे हुए हैं। और ये मंदिर भी मेरे ख्याल से 2 मंजिल मंदिर है, और ये कदम का पेड़, और इस नलके का पानी बहुत मीठा है हकीकत में। यहाँ तोते और मोर और कबूतर काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं, और इस गार्डन में करौंजे के पेड़ बहुत हैं जिन पे लगे भी हुए हैं बिल्कुल लाल लाल।
हमारे ग्रामीण लोग काफ़ी जानते हैं इनके बारे में, बाहर के लोगों को शायद ना भी पता हो। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर की दूसरी साइड, और ये पेड़ काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हैं, क्योंकि एक बार मैं इस मंदिर पर वैसे ही किसी को छोड़ने आया था, तो उस दिन मैंने इस मंदिर को देखा तो इसके बारे में मैंने पूछा कि यार ये कौन सी जगह है, तो मुझे पता चला कि ये भी हमारे ठाकुर जी का एक मंदिर है जिसको किसी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। इसकी जो पुराना ये आर्किटेक्चर था ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आज जैसे मैं वीडियो बनाने के बाद घर जा रहा था तो फिर मेरे को याद आया क्यों ना इस मंदिर की भी एक वीडियो बनाई जाए छोटी सी, ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता लगे। और उस साइड भी काफ़ी गार्डन वगैरह हैं इसके, वहाँ भी काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। और ये देखें इसका मेन मेरे को सुंदरता लगती है जो, और दोनों तरफ हाथी लगे हुए हैं एक एक, और ये बैठने का एक स्थान, और नक्काशी का काम लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। देखें आप, ये देखें आप ऐसी नक्काशी, बिल्कुल पत्थर को बड़ी बारीकी से काट कर, या तो कीर्ति मंदिर पर है, कीर्ति मंदिर भी इसके बाद ही बना है। देखें आप, मतलब लाजवाब काम, मैं तो यही कहूँगा। इधर भी देखें, और अब चलते हैं अंदर, और उधर हमारे भोले जी का एक शिवालय बना हुआ है, और ये शिवालय मेरे को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल अलग ही टाइप का बना हुआ है, एकदम नंदी महाराज, और एक बहुत अच्छा शिवलिंग, बहुत सुंदर शिवलिंग है आप देखें। इस पर एक हमारे सर्प देवता भी हैं, और ये कुछ प्राचीन मूर्तियां भी रखी हुई हैं यहाँ पर, जो अभी मैं एक बार आपको बैक लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये देखें आप, ये भी बहुत पुरानी कोई मूर्ति है, तो ये हमारे गणेश देवता जी। अब चलते हैं जो यहाँ पर मेन मूर्ति लगी हुई है, जब यहाँ से आप निकलेंगे तो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर के लिए आप तैयार हो जाइए। ये इसका बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर, मतलब क्या कहूँ मैं इसकी शान में, जो पत्थर पर काम है नक्काशी का, इतनी डिटेलिंग में हद से ज़्यादा, जो महल वगैरह में होता है। और दो मंजिल से भी ज़्यादा है मेरे ख्याल से मंदिर, मैं पूछ रही जी दो मंजिल से ज़्यादा है, दो मंजिल से भी ज़्यादा है। और इसके जो ट्रस्टी हैं आप उनका यहाँ पर देख सकते हैं, और पौधदार परिवार द्वारा इसका काफ़ी संरक्षण किया गया है, और वैसे हमारे किसी राजा ने बनवाया था, मेरे को उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, पर मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता, अगर पता भी है तो कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। अभी कुछ श्रद्धालु आए थे तो मैंने जी कुछ बताइए इस मंदिर के बारे में जो आपको पता हो। ठाकुर जी के स्थान सेवा चलती है, तेज बोलो। प्रेम सरोवर प्रेम के भरे रहे निस्रैन, जहाँ प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। राधा गोविंद चंद्र देव जी का ये विग्रह है जी, प्रेम सरोवर पास में है जी, ठाकुर जी का नौ का बिहार लीला होता है जी, भादों के शुक्ल पक्ष जल झूलन एकादशी का ठाकुर जी का यहाँ से डोला जाता है जी, और नौ का बिहार लीला होती है। अच्छा, यही हमारे ठाकुर जी जाते हैं उसमें डोल, ठाकुर हैं जो यहाँ से डोला में सज करके जी, साधु संत महंतों के साथ जी, और ट्रस्ट के जितने भी जी अधिकारी अध्यक्ष हैं जी, उनके सभी के साथ बाजे गाजे के साथ में
गांव के और परदेशी विद्वज्जन, साधु संतजन और जो ठाकुर जी के दर्शन का अभिलाषी है जी, आसपास के जितने गांव हैं जी, सभी गांवों से ठाकुर जी के इस विग्रह का दर्शन करने के लिए प्रेम सरोवर पर पहुंचते हैं जी। वहां इनके उस प्रेम सरोवर के नौका विहार लीला को दर्शन करके और अपने जीवन का धन्य बनाते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और एक बार मैं इन विग्रह के आपको नज़दीक से थोड़े दर्शन करा देता हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। जय जय श्री राधे। और इस मंदिर का दूसरा गार्डन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वो इसके सामने रामानंदी मंदिर है। वहाँ पर अभी मेरे को जाने का टाइम नहीं मिल रहा, पर मैं भी समय के साथ साथ आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। और ये एक प्राचीन कुआं भी है यहाँ पर, जिसको अभी सेफ्टी रीजन से बंद किया हुआ है। और ये इसकी एक छोटी सी परिक्रमा कह लो या कुछ भी कह लो आप। और ये कुछ इसकी ऊपर की डिज़ाइन लाल पत्थर की, ये भी बहुत सुंदर है। अगर आपको मन की शांति और एक बिल्कुल अलग ही पुराना आर्किटेक्चर, एकदम अलग ही जगह आपको देखनी है ना, तो आप इस जगह ज़रूर आइए। मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, मैं ये कहना चाहूँगा सीधे शब्दों में। बहुत ही सुंदर जगह लगी मुझे तो हकीकत में। राधे राधे भाइयों, आज मैंने आपको एक अनोखा ही स्ट्रक्चर और अनोखा ही मंदिर दिखाया जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, जिसको मैं काफ़ी दिन से देखता था पर वहाँ जा नहीं पाता था। पर यहाँ आने के बाद ये लगा लो मुझे काफ़ी आनंद आया, और इस पुराने स्ट्रक्चर को देखकर ये मैं इसको अपने दिल में बसा कर ले जा रहा हूँ। ये जगह मैंने दिखाई है बस आपको, कुछ प्रेमी होंगे इसके जो पुरानी जगहों में रुचि रखते होंगे और हमारे बिहारी जी के यहाँ पर जो विग्रह है उसका दर्शन करें। और यहाँ पर गुलाब के भी फूल लगे हुए हैं काफ़ी, बहुत अच्छा ये गार्डन यहाँ पर तैयार किया हुआ है। उसमें काफ़ी फलों के भी हैं और फूलों के भी हैं, फूलों के कम हैं जबकि फलों के पेड़ ज़्यादा हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आशा करूँगा आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और बोलूँगा प्यार भरी राधे राधे।